हेलो बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं गुड़ संधि। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने संधि क्या होता है और उसके प्रकार क्या हैं और स्वर संधि और उसके प्रकार पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने स्वर संधि के एक प्रकार दीर्घ संधि पर भी बात कर ली है। बच्चों, आज हम लोग स्वर संधि के दूसरे प्रकार गुण स्वर संधि को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, गुण संधि का सूत्र होता है आदगुणा। आदगुणा इसकी परिभाषा है, यदि छोटा या बड़ा आ के बाद छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋषि आए तो वे ए ओ अर में बदल जाते हैं। तो बच्चों, नियम क्या कह रहा है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या आए, छोटा आ या बड़ा आ के बाद, बड़ा के बाद अगर आता है ये हो गया हमारा छोटा और ये हो गया बड़ा, अगर इनके बाद प्लस में क्या आ जाता है, छोटी ई या फिर बड़ी ई, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो वे ए बन जाएंगे, ठीक है। अगर छोटी बड़ी ई आ रही है तो वो ए में बदल जाएंगे, चाहे पहले छोटा हो या बड़ा आ हो। यानी कि अगर छोटा आ के बाद छोटी ई आता है तो भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यदि बड़ा आ के बाद छोटी ई आता है तो भी ए हो जाएगा, बड़ा आ के बाद बड़ी ई आता है तो भी ए हो जाएगा। यानी कि पहले छोटा आ या बड़ा आ होना चाहिए, बाद में छोटी या बड़ी ई होना चाहिए, तो वो ए में बदल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है नियम, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद, ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, ठीक है, अब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बनेगा, तो बच्चों ये बन जाएगा ओ, ठीक है। अगर आपका छोटा आ के बाद छोटा ऊ आता है तो भी वो ओ बनेगा, छोटा आ के बाद बड़ा ऊ आता है, ठीक है, तो भी वो ओ बनेगा, और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ आता है तो भी वो ओ बनेगा, और बड़ा आ के बाद बड़ा ऊ आता है तो भी वो ओ बनेगा, ठीक है। बच्चों, ये गुड़ संधि के तहत ही होगा, ठीक है, गुड़ संधि के तहत। और अगला क्या कह रहा है, ऋषि, अगर मान लो कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ऋषि आ जाए, ये नहीं आ रहा, ऋषि आ रहा है, तो ऋषि का क्या होगा, ऋषि अर में बदल जाएगा, अर में, ठीक है। छोटा आ या बड़ा आ प्लस ऋषि तो ये बनेगा हमारा अर, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जो इसका पहला उदाहरण है परमेश्वरा, परमेश्वरा। तो परमेश्वरा में बच्चों इसका विच्छेद करेंगे, ठीक है, इसको अलग करेंगे परमेश्वरा का, तो क्या हो जाएगा, परम ईश्वरा, परम ईश्वरा। तो बच्चों देखिए, इसका विच्छेद करने पे हमें क्या मिला, यहाँ पे परम में माँ में छोटा आ, माँ में जो है वो छोटा आ मिल गया, और ईश्वरा में बड़ी ई मिल गया। नियम क्या कहता है हमारा, अगर आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ए यानी कंडीशन ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा छोटा और बड़ी ई है तो मिल गया, मिलके बन गया ये ए, और हमारा शब्द बन गया परमेश्वरा, परमेश्वरा, ठीक है। अगला शब्द है बच्चों महेशा, महेशा, महेशा का विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, महा प्लस ईशा, महा प्लस ईशा, महेशा। तो देखिए, महा में हा में यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है, ठीक है, हा में बड़ा, ईशा में भी बड़ी है। तो नियम क्या कहता है हमारा गुड़ संधि का, आया के बाद ई आई आए तो ए हो जाएगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ए, और शब्द बन गया हमारा महेशा, महेशा, ठीक है। और ये हो गई, इसमें हो गई गुण संधि, गुण संधि, ठीक है। अगला शब्द है हमारा महोत्सव, महोत्सव।
इसका विच्छेद करेंगे तो महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, ठीक है, महा प्लस उत्सव मिलेगा हमको। और यहाँ पे देखिए महा में, यहाँ पे हा में क्या है, बड़ा आ है, ठीक है, और उत्सव में छोटा ऊ है, मिला के क्या बनेगा ये। गुड़ संधि का नियम क्या कहता है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ बन जाएगा, ओ, ठीक है, उसी से ये बन गया है महोत्सव, महोत्सव, ठीक है, महोत्सव। और यहाँ पे हो गई गुण संधि, गुण संधि, ठीक है। अगला उदाहरण है हमारा सर्वोदय, सर्वोदय, तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया, सर्व उदय, सर्व उदय होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ है, ठीक है, छोटा, यहाँ पे ऊ है, मिला के क्या बनेगा, ओ बनेगा, और शब्द बन जाएगा हमारा सर्वोदय, सर्वोदय, और ये हो जाएगी इसमें गुण संधि, गुण संधि, ठीक है। अगला उदाहरण है बच्चों देवर्षि, देवर्षि, तो ये ऋषि वाला उदाहरण है, ठीक है। इसको विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, और देव में वा में छोटा आ है, ठीक है, और ऋषि में री, मिला क्या बनेगा, अर, है ना। नियम क्या कहता है गुड़ संधि का, अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ऋषि आए तो वो अर में बदल जाता है, अर में, ठीक है, और हमारा ये शब्द बन जाएगा देवर्षि, देवर्षि, बच्चों देवर्षि, इसको हम बोल रहे हैं तो अर का साउंड आ रहा है, यहाँ पे अ और ये रा ऊपर चली गई है, यहाँ पे आ है हमारा और इसमें मिल गया वा में, और ये हमारा रा ऊपर चली गई है, तो ये हो गया देवर्षि, देवर्षि, ठीक है। अगला उदाहरण है ऐसे ही जलोर्मी, जलोर्मी, तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, यहाँ पे ला में अ है और यहाँ पे ऊ है, बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा ओ, ठीक है, क्योंकि गुड़ संधि का नियम कहता है अगर छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ में बदल जाते हैं, और ये हमारा शब्द बन जाता है जलोर में, जलोर में, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, महर्षि, महर्षि, ये ऋषि वाला है, जैसे देवर्षि हुआ था वैसे ही महर्षि होगा, ठीक है। इसमें महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, यहाँ पे महा में बड़ा आ है और ऋषि का री, नियम कहता है कि ये बदल जाएगा अर में, ठीक है, और शब्द बन जाएगा हमारा महर्षि, महर्षि, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे गुण स्वर संधि के उदाहरण और उसकी परिभाषा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और याद करिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।